हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो मैं काफ़ी टाइम के बाद आज व्लॉग शूट कर रही हूँ। मैंने सोचा चलो आज व्लॉग शूट करते हैं, क्योंकि आज मेरे लिए स्पेशली बहुत स्पेशल डे है। दीदी तो नहीं जा रही भी गए, शी वॉज ऑन अ बिजनेस ट्रिप, तो आज वो थकी है बहुत ज़्यादा, तो वो तो मेरे साथ नहीं जा रही। उसका भी ऑब्वियसली मन है, पर थकावट है उसको ज़्यादा। तो आज मैं कहीं जा रही हूँ और वो बहुत ज़्यादा स्पेशल है, आपको देखना पड़ेगा आगे कि मैं कहाँ जा रही हूँ। तो अभी 11:55 ऐसे कुछ अप्रॉक्स टाइम हो रहा है। मैं सोचा चलो व्लॉग स्टार्ट करते हैं, आप लोगों को दिखाना पड़ेगा ना कि मैं कहाँ गई थी, और मैं अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगी। तो मैं फ्रेशन अप होके सब करके रेडी हो चुकी हूँ। अब दीदी ऐसे ब्रश ये सब करिए, वो चाय वाय अपना पिएगी, ब्रेकफास्ट उसको करना होगा तो करेगी, मेरा तो मन नहीं, क्योंकि रात को हमने चिकन खाया था, वही मैंने कुछ ज़्यादा ही खा लिया था। सोया और गाइस, कल हमारी मेरी दीदी भी नहीं आई थी, तो काम भी थोड़ा सा करना है। झाड़ू तो मैं लगा ही लूँगी, क्योंकि कल भी घर ऐसे ही था। अब देखो ये क्या कर रही है किचन गाइस। तो आप जैसा कि देख सकते हैं, हमारा किचन बिल्कुल बिखरा पड़ा है, और ये अपने पेट पूजा का तैयारी कर रही है। और ये मुझे कह रही कि इतने दिन से मैं अकेले थी तो मैं कुछ भी नहीं कर रही थी, मैं पूरा साफ करके रखती थी। जो हमारी मेड दीदी है वो भी आती थी तो कहती थी, तो इसका ऐसे ही बोलने का मन है। सोया आज मैं सोच रही हूँ कि आज मैं ये वाला शर्ट पहनूंगी। आजकल वो पिंक शर्ट वो भी है, ट्रेंड में भी है, सो देखती हूँ एक बार ट्राई करके। मैंने ये ट्राई भी नहीं किया है कि कैसा लगेगा, एक्चुअली मुझे फिट आएगा भी या नहीं, कैसा लगेगा, सो देखते हैं पहन के कैसा लगता है। और वैसे भी गाइज, आप लोग टाइटल देख के समझ ही जाओगे कि मैं कहाँ पे गई थी, तो मैं डिस्क्लोज ही कर देती हूँ कि मैं कहाँ पे जा रही हूँ, तो इसी से डिस्क्लोज करवाती हूँ मेरे सिस से। तो गाइज ये अपने जुल्फों को सवार रही है, वैसे मैं इसे डिस्क्लोज करवा देती हूँ कि मैं कहाँ जा रही हूँ। सो वेयर एम आई गोइंग माई डियर सिस? टू वॉच धोनी। या गाइज, मैं धोनी को देखने जा रही हूँ। और मेरा भी बड़ा मन था जाने का, बट लाइक धोनी को कौन नहीं देखना चाहता है, धोनी तो सबका फेवरेट है। बट मेरा बैक टू बैक ट्रैवल था, तो मतलब मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं इतनी धूप और गर्मी में जाऊं, और वहाँ पे 3:30 बजे का मैच है। बट आई रियली वॉन्टेड टू गो, देखते हैं बेटर लक नेक्स्ट टाइम। इसका बहुत मन था तो ये जा रही है, बट मेरा तो मन तो मेरा भी हो रहा था, लेकिन अब देखते हैं क्या होता है। अभी मैं थकी हुई हूँ बहुत ज़्यादा, मेरा बिल्कुल 1 वीक का ट्रैवल था बैक टू बैक, तो जैसे आई विल मेक वीडियोज़ एंड एवरीथिंग, और मैं इन लोगों को सेंड तो करूँगी ही, बट वही ना जो लाइव देखने का मज़ा है, वो तो लाइव देख के मतलब वो तो अलग ही फीलिंग आती होगी फॉर श्योर। बिकॉज अभी भी हम क्रिकेट टीवी में देखते हैं, लैपटॉप में देखते हैं, बट फिर वही हो जाएगा ना, वीडियो के जरिए तो हम देख ही रहे हैं, लेकिन सामने से देखो एंड धोनी इज द यार, मेरे घर में सबका फेवरेट धोनी ही है बाय द वे, एक्सेप्ट मेरी छोटी बहन, वो आरसीबी की फैन है, वो उसको विराट कोहली पसंद है। वो जब आएगी नेक्स्ट टाइम, जब भी यहाँ पे आईपीएल होगा, तो उसको उसका आरसीबी का मैच दिखाने लेके जाएंगे और आरसीबी को हारते हुए देखेगी वो एक्चुअली। या चलो देखते हैं कैसा रहता है आज का मेरा जर्नी, मैं सारा शूट करने वाली हूँ। सो गाइस, मैं फुल रेडी हो चुकी हूँ। आज मैंने ऐसे शॉर्ट पहना है पिंक, मेरे पास कुछ येलो था ही नहीं, सो आई हैड टू वेयर दिस ओनली। तो चलो चलते हैं स्टेडियम। गाइस शिव स्टे होम, आई एम गोइंग, बाय। एक येलो हो गया गाइस वैसे मेरे पास। और यहाँ से जो भी हमारा गेट नंबर था, वहाँ से हम अंदर जा चुके थे, एंटर कर चुके थे, फिर हमारा चेकिंग ये सब होना था। और आप देखो पूरा येलो से भरा पड़ा है। यहाँ पे मैं एयरपोर्ट्स लेके चली गई थी और वो फिर मुझे जमा करवाना पड़ा। फिर यहाँ पे मैं स्टेडियम मतलब एकदम पहुँच चुके थे, स्टेयर से ऊपर जाना था, और मुझे बिलीव नहीं हो रहा था कि मैं देखने आई। गाइस
से फुल टैन हो चुकी हूँ। एंड फाइनली हम लोग स्टेडियम में पहुंच चुके थे और मैच चल रहा था, बस धोनी चला था मैच, तो क्या ही चल रहा था। पर सीएसके ने बहुत अच्छा खेला और बहुत मज़ा आया था बहुत। और हर एक बॉल के बाद हर कोई ये प्रे करता था कि कोई आउट हो जाए और धोनी आए। फाइनली धोनी आ गया। और आप देखो उसके एंट्री पे हर एक कोई खड़ा था, कोई नहीं बैठा था अपने सीट पे। मैंने ये कैप्चर या आइकॉनिक मोमेंट कैप्चर किया है और कोई नहीं बैठा था, इवन मैं भी खड़ी थी। इतना मतलब पता नहीं इसको क्या बोलेंगे, रिस्पेक्ट बोलेंगे क्या बोलेंगे, पर उसका क्रेज़ देखो आप। मैच खत्म होने के आधे पौने घंटे तक सब इस आस में बैठे थे, देखो पूरा स्टेडियम भरा हुआ था, इस आस में बैठे थे कि धोनी पूरा वो घूमेगा जैसे वो चिपॉक में घूमा था, बट वो नहीं घूमा और फिर सबको निराशा के साथ अपने अपने घर वापस जाना पड़ा। और फिर हम धोनी को देख तो नहीं पाए, पर उसके बाद हम अपने घर आने फेस और हाथ ही सब देख के बता सकती हूँ मेरे को कितना टैनिंग हो गया है, क्योंकि बहुत देर तक धूप में थे तो बहुत टैनिंग हो गया। और इतनी गर्मी थी कुछ मत, वहाँ पे पानी जो मिल रहा था वो एक एक सौ का, वो भी इतने से ग्लास में, क्योंकि बॉटल तो जाना अलाउड होता नहीं friends, है। और फ्रेंड्स मैं नहीं थी, मैं करेला खरीद के गई थी, ये करेला इसमें बनाया नहीं है, ये पूरा ख़राब हो चुका है, मैं सारे फेंक रही हूँ अभी। गाइस जब ये नहीं थी तो मैं इतना कुक वुक भी नहीं करती थी, मतलब चावल बस ज़्यादा ही, मैं चावल खिचड़ी ये वो पे ही रहती थी। और आटा मैंने एक दिन बना के रखा था तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा परांठा बना लेती थी, क्योंकि लंच मुझे मेरे ऑफिस में मिलता ही है, तो और डिनर में मैं तो चावल वावल ये सब खा लेती थी। अब मैं जो कह रही थी कि टैनिंग वैनिंग देख के आपको पता लग गया होगा कि मैं मैच देख के आ चुकी हूँ, तो ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा था। बस यहाँ से जाते टाइम भी बहुत ट्रैफिक मिला था, मतलब दो घंटे में हम लोग ऑलमोस्ट पहुँचे थे, और एक तो गर्मी थी इतनी, और आते टाइम भी सेम बहुत ट्रैफिक था, और दोपहर में पता नहीं किस बात की ट्रैफिक थी यार, दोपहर में तो ना कोई ऑफिस टाइम होता है ना कुछ उस टाइम, पता नहीं मुझे लगता है सब मैच ही देखने जा रहे थे, पता नहीं क्या हो रहा था, और बहुत गर्मी थी। बट जो स्टेडियम का जो ओवरऑल वो एक्सपीरियंस था वो बहुत अच्छा था, और एंड टाइम में टिकट मिलना वही बहुत बड़ी बात। शायद टीवी पे टेलीकास्ट मिली कि बीच में ना वहाँ पे पतंग उड़ने लगा था, और जडेजा था बिल्कुल हम लोगों के सामने, मतलब नीचे, तो मुझे थे जड्डू पतंग ले बहुत मज़ा आया था। वो शायद मैंने कैप्चर नहीं किया मैंने, क्योंकि मुझे हो रहा था कि कितना क्या क्या कैप्चर करूँ, पर मुझे वो कर लेना चाहिए था। तो या बस मुझे एक स्टेडियम वाले से ये कंप्लेन है कि सेकंड फ्लोर पे भी यार शेड डाल दो, मतलब टेम्प्रेरी ही पर अब डाल दो, क्योंकि बहुत गर्मी होती है। कम से कम गर्मी में थोड़ा ऊपर शेड डाल दो, क्योंकि बहुत गर्मी होती है। मैं तो जिधर हम लोग बैठ गए थे, हमारा सीट तो दूसरी साइड था, पर जिधर हम बैठे थे उधर तो फिर भी छांव थी, और जिधर मेरा सीट था एक्चुअल में उधर तो मतलब पूरे टाइम धूप थी, पूरे टाइम।
तो पर वो धोनी का क्रेज़ है जो सब इतने धूप में भी खड़े होके देखते रहे, बैठ के देखते रहे वहाँ पे, मतलब चीज़ें भी इतनी कॉस्टली हैं, ऊपर चलो उसका तो कुछ नहीं, बस वो धूप वाले और शेड वाले का, स्टेडियम वाले आप देख रहे थे प्लीज़ ध्यान दो। और ओवरऑल एक्सपीरियंस मतलब मेरा तो बहुत अच्छा रहा, मतलब लाइव मैच देखना, लाइव धोनी को देखना तो अपने में ही एक बहुत बड़ी बात है। सो मैं सबको बोलूँगी कि एक बार तो ट्राई करो लाइव मैच देखने का, बहुत मज़ा आता है। और जो हम साथ में हूटिंग ये सब कर रहे होते हैं ना, और तरह तरह के लोग तरह तरह की बातें कर रहे होते हैं। एक व्लॉगर था, वो अपना व्लॉग शूट कर रहा था, सब उसे पूछ रहे थे भाई आपकी शादी हुई या नहीं हुई है, तो बहुत मज़ा आया। एंड में तो बहुत थक चुके थे हम लोग तो, या बट बहुत मज़ा था, हम सब है मेरे साइड से। और मतलब कि एक टाइम पे तो ऐसे हो गया था कि धोनी पता नहीं आएगा नहीं आएगा बैट करने के लिए, सब कह रहे थे कि आउट हो आउट, कोई छक्का चौका मार रहा था ना, तो हम कह रहे थे यार क्यों मारे, आउट हो जा आउट हो जा। फिर धोनी आया, मतलब कि थर्ड नंबर पे इस बार धोनी आ गया था, उसके बाद जडेजा आया तो बड़ा मज़ा आया था। जडेजा भी जब आया तो सब कहते थे सिंगल ले लो उसको, खेल उसको आने दो पिच पे, उसको आने दो आने दो। और मेरी मम्मी का और दीदी ये सब कंप्लेन था कि मैं टीवी पे नहीं आई, आप मानोगे मेरे साइड में एक लड़की थी, मतलब कि मैं किसी का कपड़ों पे कमेंट नहीं कर रही हूँ, बट वो बहुत हॉटी हॉटी बन के आई थी। तो आगे जो हमारे लड़के बैठे थे वो भी कह रहे थे कि चलो अब तो कैमरा मैन इधर करेगा, पर हमारी सीट ही ऐसी थी कि वहाँ पर कैमरा आ ही नहीं सकता था। एक बार हमारे साइड आया था कैमरा, तो शायद एक बार मैं दिखी थी, मेरी दीदी बता रही थी, उसने मेरे शर्ट से पहचाना था, पर हमारी सीट मतलब बिल्कुल ऐसे कोने में बैठी थी क्योंकि वहाँ पे छाँव थी, तो हम नहीं आ पाए कैमरा पे। पर मुझे उम्मीद थी कि कैमरा पे मुझे लेंगे, बट उन्होंने नहीं लिया तो उनका लॉस है, मेरा नहीं है।